Titanus is giving review for this song. Oh yeah? Yeah. Very good. Thanks. So fun. Guys, roll. Have you seen the song? Yeah. All right. That was actually the biggest dance number that I've ever shot, I feel. Yeah. Chuski for Jack and Dil. I've never danced so much. Ranju, our choreographer, has done an excellent job. I think he's brought out everything, every dance move of me possible. And of course, the music is awesome. Maybe you want to talk a bit about the music? Yeah, it's music has been done by Orko Mukherjee, and it has been sung by Sonu Kakkar and Orko. Mm. It's very catchy, I think. Yeah, it's trending right now. That's awesome. A film jo hai, it speaks about why love dies when the chase is over. शादी के बाद हमारे बीच का प्यार क्यों कम हो जाता है, प्रायोरिटीज क्यों बदल जाती है. बेसिकली इसमें वुमन्स पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ से दिखाया गया है. एक लड़की जो है उसकी शादी हो चुकी है, जो अरबाज खान की लीड प्ले कर रही है, और दूसरी लड़की है एवलिन, जो एक डिटेक्टिव एडेड डिटेक्टिव की गर्लफ्रेंड है. तो वो दो औरतों का मीन्स एक शादी के बाद क्या पर्सपेक्टिव रहता है अपने हस्बैंड की तरफ, और शादी से पहले एक लड़की है कितनी डिमांडिंग होती है, नैगिंग होती है अपने बॉयफ्रेंड के प्रति. तो ये कॉम्बिनेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा. या इट वॉज अ फन. अरबाज भाई डायरेक्टर है, जैसा आपने कहा था, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं. तो उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से देखा है, समझा है, जाना है, और उनका 40 साल का लगभग एक्सपीरियंस है. मीन्स 40 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म फैमिली से ही बिलोंग करते हैं. आपकी समझ जो है 10 साल के बाद शुरू हो जाती है. तो उनको एक अपनी पहचान है. तो उन्होंने हर वे में हम सबको मदद की है. पहले थोड़ा एक टेंस हो जाता है, एक तो सलमान के भाई हैं, दूसरा ये हो जाता है कि यार इन तीनों डिपार्टमेंट को इस आदमी ने देखा है तो क्या टैंट्रम्स रहेंगे, क्या रहेंगे. तो ऐसा कुछ उनका नहीं था. उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को सपोर्ट किया, मदद की फिल्म कंप्लीशन में, हर जगह पे वो हमारे साथ में रहे. In Bollywood. Oh, so much. So first of all, it was such a pleasure shooting with Amit and with Arbaaz and Sonal and of course Sachin sir. And for me, like, I've shot about 10-12 movies now, and it's always fun to shoot with the young new actors like Amit. But actually where I get to learn so much is from the established actors like Arbaaz. Really, like, I feel like he's taught me a lot on the set. And when it comes to the perfect man in Bollywood, I've shot with like everyone from Ranbir to Shah Rukh. There are lots of awesome men. But the perfect man, no, I haven't found yet. Do you find men loyal and trustworthy? Actually, now I'm shooting with Bahubali for Saho, so he's quite perfect, yeah. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. मीन्स आप जब लिखते हो फिल्म, तो आप एक फिल्म लिखते हो, फिर उसके ऊपर जब कास्टिंग शुरू हो जाती है तो आप हमेशा ये सोचते हो कि बड़ा स्टार आपके साथ काम करें. लेकिन उनकी भी अपनी कुछ प्रायोरिटीज होती है, वो किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं वो वही डिसाइड करते हैं. तब वो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है. सो जब ये शुरू की थी फिल्म तो बड़े एक्टर्स तो दिमाग में थे ही. लेकिन जब आप एक फिल्म बनाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है. जो पैसे लगा रहा है उसकी रिकवरी होनी चाहिए, पिक्चर अच्छी
तरह से पहुंचनी चाहिए. जब आप स्टार्स के साथ काम नहीं कर सकते हो तो एक डायरेक्टर के तौर पे मैं ये सोचता हूँ कि मैं अच्छे एक्टर्स को ले. जब आपके पास अच्छे एक्टर्स होते हैं तो आपका परफॉर्मेंस वाला जो काम होता है वो इजी हो जाता है. वो परफॉर्मेंस के ऊपर पिक्चर को एक अच्छे लेवल पे लेके आके वो ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं. There were a lot of challenges. हाँ या इफ यू सी इट्स समथिंग यूनिक वी हैव डन. हाँ मतलब एक ही शॉट में हमने जब हम गाना शूट कर रहे थे व्हेन वी हैड अ रेडी सॉन्ग फ्रॉम ऑर्को. बेसिकली शी इज प्लेइंग अ स्ट्रगलिंग मॉडल एक्ट्रेस इन द फिल्म. तो जब ये बनता है तो एक हो जाता है कि एक आइटम नंबर चाहिए फिल्म में, ये एक डिमांड हो जाती है. लेकिन जब ये तैयार हो गया था तब हमने ये डिसाइड किया था ये मोर ऑफ आइटम नंबर ना होते हुए इट शुड बी समथिंग वैकी जो जिसकी क्या बोलते हैं उसको टैग लाइन जो हो वो हुक में होनी चाहिए. अगर आप देखोगे जिस दिन मेरे को वायु ने ये सुनाया था कि चुस्की में चूम, मैंने कहा ये क्या है, नहीं हम चाय के ऊपर गाना बनाते हैं. तो उसकी टैग लाइन जो है ना इट हैज़ अ डबल मीनिंग ऑफ अ थिंग बट इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन सॉन्ग. जब ये गाना हमारे पास आया था तो हमने ये सोचा कि एक इसको आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे. तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, जैसे कि हमने इसमें रिवर्स शूट किया है. हमने एवलिन को गाना रिवर्स में लिख के दिया था, चुस्की में चूमा म चू सू क म न ऐसा उसको हमने लिख के दिया था ताकि हम रिवर्स में पूरा गाना शूट करें. इफ़ यू सी कि जब वो रैप आता है तो रैप में मोस्टली पहला थॉट आता है कि हाथ घुमाओ हे करो. तो हमने ये सोचा कि नहीं, जो विजुअल्स हमें दिखेंगे रैप में भी वो अल्टरनेटिव विजुअल्स होने चाहिए. तो हमने उसको क्रोमा पे शूट किया. हालांकि हमने मैंने इस गाने में बहुत कुछ ट्राई किया है. एंड आफ्टर माय सॉन्ग आज ब्लू है पानी पानी देयर वाज अ स्लाइट प्रेशर फॉर यू टू कम विद समथिंग बिगर एंड बेटर बट डेफिनेटली इट हैड टू बी कैची राइट. It was okay. I mean, nowadays, like, I feel like I've been in this industry for 8 years. I'm doing all my movies, speaking Hindi and now also Telugu. I can speak reverse also. It's fine. I can rap also. Yeah. So that's I actually really identify with the role of Lara, especially looking back on my start in the career, an aspiring model, an aspiring actor. If I feel sometimes I can relate to her, like how I was 8 years ago when I started out in the industry. And all the struggles you have, like this very unregular life, you're living from job to job to job, you're trying to survive, you know, every month. So I feel like a young artist longs for one thing the most, which is consistency, to have like this stability in your life. And I feel like that was something that I really wanted to bring out in the role of Lara, that she's longing for stability. That's why her boyfriend, who's still, you know, also very shaky in his life, she's longing for this sense of security, and she's not getting it from him. So she's looking into different places where she could get it, in money, fame, maybe another decision in her life, you know, that will bring her the stability. And I feel like that's something that I experienced too, and I think a lot of young actors experience. And then, you know, you get a lot of shady offers in the industry, and you wonder if you should take them up or not because you're longing to have stability in life, and like, you know, you're trying to provide for your everyday life. And so, yeah, even Lara in the movie, she makes a decision which is very impactful for the whole story, and everything takes a turn from there. And yeah, for me, definitely I've had my bit of struggle. Now I'm very relaxed in my career. I started my Themes for Dreams charity foundation as well. I'm doing a lot of other things. But I feel very passionate about young artists. So I always feel very passionate about sharing my story as well. I mean, how about the experience working with Arbaaz? I mean, he has been established for so long. So did he guide or mentor you?
Of course. He's been an absolute treat to work with. He has so much experience, of course. He has so much knowledge also of the industry itself that it's just wonderful for me every time I get to work with such an established actor and star to learn from them. And I've realized, you know, that the big stars like Prabhas or Shah Rukh or Ranbir or Arbaaz, there's so much humility in their way of working. There's so much kindness and gentleness when you work with them. It's very different from, you know, the strugglers or the newer lot who's still trying to establish themselves. There's a lot of ego. There's a lot of, like, you can feel that tenseness. So I always, obviously, like, prefer to work with the bigger stars. Big announcement,